फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनुसाक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तनुसाक। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेक्निकल से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपके क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ चिल्लर प्लांट, जिससे में ये अगर सही तौर पर कहें तो ये एक बड़ा एसी है, जिससे हम पूरे फ्लोर को ठंडा करते हैं। घरों में छोटा सा एसी लगा होता है, विंडो या स्प्लिट एसी, उससे क्या होता है कि हम एक रूम को या दो रूम, एक हॉल को ठंडा कर सकते हैं। ये सेम वही फंक्शन होता है, इसमें गैस पड़ी होती है जो हमारे पूरे फ्लोर को ठंडा करता है। इसका पूरा फंक्शन एक वीडियो मैंने आपको बनाया था। मैं इस वीडियो में केवल आपको दिखाना चाहता हूँ कि चिल्लर होता क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। टीआर का है, आप इसके देख सकते हैं, ये इसकी प्लेट लिखी है, इसमें पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। स्विच है इसका, सॉरी एक्सपेंशन वाल नहीं, फ्लो स्विच है, इसका फ्लो बताता है। और ये इसका, ये देखिए, ये हीटर है इसका, जो यहाँ पे हीटर होते हैं, ये हमेशा ऑन रहनी चाहिए। दोनों जगह इसके फ्लो स्विच लगे होते हैं। ये देखिए, इसका फ्लो स्विच है यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, हमारी कूलिंग टावर की लाइन होती है, कंडेंसर की लाइन बोलते हैं। और ये जो इतना पूरा सिस्टम है, ये हमारा ये कंडेंसर है, उधर कूलिंग, ये कंडेंसर है, ये हमारा उधर हमारा एवेपोरेटर है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारा, सॉरी उतने टाइम मैंने आपको गलत बताया, ये हमारा ऑयल सेपरेटर है। अभी आता है मुझे, ये ऑयल सेपरेटर है, ये हमारा जो ये देखते हैं, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा कंप्रेसर है, और ये हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व है। प्रेशर रिलीज करते हैं यहाँ से, हम देख सकते हैं, ये हमारे दो चिल्लर लगे हुए हैं हमारे प्लांट में, देख सकते हैं किस तरीके के होते हैं। ये बड़ी बिल्डिंगों के हिसाब से और भी बड़े बड़े होते हैं, 350 टीआर होते हैं, और इससे भी बड़े की कैपेसिटी के लगे होते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से होते हैं हमारे चिल्लर। जो गांव देहात से लोग हैं, मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, जो नहीं जानते कि टेक्निकल में किस प्रकार से आया जाए, क्या हमें किया जाए, कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ट्वेल्थ कर लेते हैं, कि हमें अब क्या करना चाहिए लाइफ में, कन्फ्यूज होते हैं, तो उससे राय ले सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं सभी, तो मैं उनकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। और जो भी चीज़ जिस बारे में आपको पूछनी है कि हमें आगे क्या करना है, उनके बारे में मैं गाइड कर सकूँगा। ये आप जो हमारा देख रहे हैं, ये हमारा हॉट जनरेटर है, ये रैपिडो कंपनी का है, देख सकते हैं। ये मैं इसको आपको रैपिडो कंपनी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इसमें जो लाइन है, एक इनलेट, ये देखिए, देख सकते हैं आप, आउटलेट लाइन है और एक इनलेट लाइन है। इसमें चार हीटर लिए हमारे, देख सकते हैं, ये देखिए स्टेप हैं चार। जब ज़्यादा ठंडा होती है तो हम चारों स्टेप ऑन करके अंदर गर्म वो देते हैं लाइन में, जब गर्म पानी रहता है, तो वही जो मैंने पहले आपको बताया था, यदि एचयू की लाइन में गर्म पानी जाएगा तो वो अंदर गर्म हवा फेंकेगा, यदि ठंडी हवा जाएगी, ठंडा पानी जाएगा, तो वो ठंडी हवा फेंकेगी। तो सर्दियों में क्या होता है कि हम हॉट जनरेटर चलाते हैं और चिल्लर को बंद रखते हैं, तो एचयू लाइन में जो हमारी लाइन होती है उसमें गर्म पानी जाता है, जिससे एचयू फ्लोर के अंदर गर्म हवा देता है, और हमें गर्म की अनुभूति होती है, आवास होता है, हमें ठंडक नहीं लगती है। ये आप देख सकते हैं चिल्लर हमारे लगे हुए हैं, ये देखिए बाल है उनके, और हम आपको दिखाते हैं, और
एसी ड्राइवर, ये देखिए ये हीट ना हो इसके लिए मैंने खोल के रखे हैं, क्योंकि चलते रहते हैं तो हीट हो जाती है इनमें, इसलिए मैंने इन्हें खोल के रखा है। आप देख सकते हैं दिखा दूं, ये देखिए आप ऑन ऑफ लिखा है एसी फर्स्ट, तो यहाँ से एसी फर्स्ट की सप्लाई कट होती है, बीच में ये लिखा है ऑन ऑफ बस बार, तो ये यहाँ से बस बार की सप्लाई कट होती है वो देखिए आप, ये यहाँ पे लिखा है एसी सेकंड, यहाँ से एसी सेकंड की सप्लाई हमारी कट होती है, ये नीचे लिख रखा है सेकेंडरी चिल्डर वन, यहाँ से चिल्डर वन की सप्लाई कट होती है, ये देखिए इधर लिखा है चिल्डर सेकेंड, तो यहाँ से चिल्डर सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ ये एसी सेकेंड लिखा है, तो यहाँ से अगर इस सेकेंड को बंद कर देंगे तो हमारा ये आधा जो पार्टीशन है पूरा ये इधर पूरी सप्लाई कट हो जाएगी, और इधर ये एसी फर्स्ट लगा है उससे अगर हम बंद करते हैं तो यहाँ से इतनी पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी, परंतु अगर हम चिल्डर वन को बंद कर दें तो केवल चिल्डर की सप्लाई बंद होगी, बाकी हम सबकी ऑन रहेगी, वैसा ही इसमें चिल्डर टू को अगर हम बंद करते हैं चिल्डर टू की सप्लाई बंद होगी, बाकी सारी बनी रहेगी। और ये हमारी सेकेंडरी देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कूलिंग टावर, कूलिंग टावर लिख रखा है, तो हमारी तीन दो कूलिंग टावर हैं और तीन मोटर है सबकी, एक एक स्टैंड बाई में रहती है, दो वर्किंग में रहती है, और तीन सीटी फैन, तो तीन नहीं है परंतु उसके पैनल हमें स्पेयर में रखने पड़ते हैं, ये प्राइमरी भी तीन है, दो वर्किंग होती है एक स्टैंड बाई में, तो भाई दबे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बाई में रहना चाहिए। मैं आपको सेकेंडरी मोटर दिखा देता हूँ किस प्रकार से होती है सेकेंडरी मोटर, ये हमारी 20 HP की मोटर है सेकेंडरी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सेकेंडरी इसमें इंसुलेशन इसलिए चढ़ा होता है ताकि इसकी जो हीट होती है वो बाहर ना जाए, या कूलिंग होती है वो बाहर ना जाए, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन ना हो या बढ़े, गर्मियों में उसका टेम्परेचर डाउन ना हो ज़्यादा ना हो। आप देख सकते हैं तो हमारी एक वर्किंग में स्टैंड बाई उस सेफ्टी के पर्पज से हमने अलग से पैनल के सप्लाई दे के रखा है, पैनल हमारे खराब हो जाते हैं जो ये वाले, तो वहाँ से उनको सप्लाई देकर कंटिन्यू कर सकें। ये हमारे चिल्डर से पानी खींचने के बाद जनरेटर होता है उससे इसके दो डायरेक्शन होती है, एक तो सप्लाई पानी को नीचे खींचती है, दूसरी ऊपर भेजती है, यानी चिल्लर से या हॉट जनरेटर से एक तो पानी को लिया इसने, दूसरा ऊपर भेजने का काम करती है, ये दो काम करती है, सर्कुलेट करती है, क्योंकि फ्लोरों की हाइट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से पानी नीचे आ तो जाता है परंतु नीचे से ऊपर जा नहीं पाता है, इसके लिए हमें ये मोटर लगानी पड़ती है, और चिल्लर से पानी निकलता है तो उसमें इतना फ्लो नहीं होता कि पानी या फिर उससे जो पानी नीचे आता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता कि चिल्लर के अंदर या हॉट जनरेटर के अंदर प्रेस हो पाए, इसके लिए हमें सेकेंडरी मोटर चलानी पड़ती है। और ये देखिए कूलिंग टावर मोटर जो ग्रीन कलर से डिनोट की गई है, ग्रीन कलर से डिनोट की गई है, इसका भी वही फंक्शन होता है जो हमारी कंडेंसर होती है, उसके अंदर पानी हम इससे प्रेस करते हैं, दूसरा ऊपर कूलिंग टावर में भेजने के काम करते हैं। ये देखिए दो टाइप से होते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, और ये हमारी प्राइमरी मोटर है, प्राइमरी का भी यही काम होता है, ये एक चिल्लर के अंदर पानी को भेजती है, ये ब्लैक कलर से इंसुलेशन, और दूसरी कूलिंग टावर वाली ये कंडेंसर के अंदर भेजती है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा सब पंप है, जो भाई बेसमेंट में पानी भर जाता है सब पिट में, तो उसको निकालने के लिए भी बेसमेंट लगानी पड़ती है, आप देख सकते हैं पैनल, आप देख सकते हैं, और भी कुछ आपको चिल्लर से रिलेटेड कूलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आप उसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी डीपली जानकारी दूंगा, उस पर स्पेशली वीडियो बना के चलते हैं। थैंक्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल मेरा फेसबुक पेज को लाइक करें, आपका टीवी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक अकाउंट है तनुषाक, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ तनुषाक के नाम से।